कास्ट में स्वागत है आप लोगों का। देखिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का 6 क्वेश्चन बता दिया गया था। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर ये दिया है, 1-1 5 ये सब दिया है, एक सममित आव्यूह है, ठीक ना। यानी जो ए है वो क्या है, सममित आव्यूह है। और दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 0-1 ये सब जो आव्यूह ए है ये कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो आप लोगों को हम परिभाषा बताए थे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, ठीक ना। तो जब जब कोई आव्यूह ए बराबर ए डॉट बराबर जब ए के बराबर ए किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके बराबर हो जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं ना, सममित आव्यूह बोलते हैं। आप दूसरा बताए थे कि जब ए डैश का मान माइनस ए के बराबर हो जाए, यानी किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह जो है उसके ऋणात्मक के बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग विषम सममित आव्यूह, बोलते हैं ना विषम सममित आव्यूह। तो चलिए पहला नंबर देखा जाए, इसे आप लोग नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला है ए बराबर दिया है, बताइए दिया है 1-1 5-1 2-1 5-1 3 दिया है ना। चलिए ए डैस निकाला जाए, तो ए डैस निकालेंगे जब हम लोग ए डैस निकालेंगे तो पंक्ति को किसमें लिख देंगे, अस्तम में ना, 1-1 5 ऐसे है तो इस पर ऐसे लिख देंगे, फिर 1-1 2 1 5 1 3 1 3। अब हम देख रहे हैं, देखिए तो ए डैश और ए एकदम सेम से पहला जो है, देखिए 1-1 5 5 1-1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 सेम है ना। तो हम कह सकते हैं लिख रहे हैं चूंकि ए डैश जो है वो ए के बराबर है इसलिए आव्यूह ए क्या है, आव्यूह ए जो है ए कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ये नहीं प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। उसी तरह से दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा वाला दिया है ए बराबर दिया है ना, चलिए ए डैश निकालिए, चलिए ए डैश निकालेंगे हम लोग, ए डैश निकालेंगे हम लोग यहाँ से तो 0-1-1 ऐसे लिख देंगे, ए 1-1 0-1 1-1 0 ये काम आ रहा है ए डैश, मैंने यहीं से लिख दिया। अब देख रहे हैं, देखिए तो यानी ए डैश को हम लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए, जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये 0 तो रहेगा ही, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस है वो माइनस होगा, ये 0 0 रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो ए डैश है, ए डैश बराबर माइनस में जो आ रहा है इसको हम ए के बराबर लिख सकते हैं, देखिए तो सेम सेम है ना, एकदम सेम है, तो यानी ए बराबर माइनस ए तो लिख देंगे, ठीक ना। चूंकि चूंकि ए डैश बराबर माइनस ए इसलिए इसलिए ए कैसा आव्यूह है, आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कह रहा है कि आव्यूह ए बराबर 1-5-6-7 के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश जो है वो क्या है, सममित आव्यूह है, और ए माइनस ए डैश जो है वो विषम सममित आव्यूह है। चलिए देखते हैं, ठीक है, पहला नंबर है, पहला है ए प्लस, क्योंकि ए बराबर क्या दिया है पहले देख लीजिए, ए बराबर दिया है आपका 1-5-6-7 दिया है ना, तो ए डैश निकाल लीजिए, तो ए डैश निकालेंगे हम लोग क्या आएगा, 1-5 ऐसे लिख देंगे हम लोग, 6-7 ऐसे लिख देंगे।
चलिए आप पहला नंबर देखिए, ए प्लस क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ए प्लस ए डैश का मतलब ए और ए डैश को जोड़ना है। चलिए जोड़ दीजिए, चलिए जोड़िए, एक और एक दो, पाँच और छ ग्यारह, छ और पाँच ग्यारह, सात और सात चौदह हो गया। अब हम देखते हैं इसको कुछ और मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं हम बी, बी मान लेते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग, छोड़िए इसको, अब इसका होल डैश निकाला जाए, ए प्लस बी का ए डैश का होल डैश, ठीक ना। चल इसका होल डैश निकालेंगे हम लोग, देखिए तो दो और ग्यारह ऐसे है तो इसको ऐसे लिख देंगे ना, दो ग्यारह ऐसे तो इसको ऐसे लिख देंगे, ग्यारह और चौदह ऐसे तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। अब हम देख रहे हैं कि ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का जो मान है ए प्लस ए डैश के होल डैश के बराबर है, यानी चूंकि ए प्लस ए डैश का होल डैश ए प्लस ए डैश के बराबर है, इसलिए ए प्लस ए डैश कैसा आदि होगा, सममित आदि होगा, सममित आव्यू है। ये प्रूफ करना था, पहला हो गया प्रूफ, ठीक। उसी तरह से दूसरा वाला, a माइनस ए डैश निकाल लीजिएगा, ठीक। अब फिर उसको निकालेंगे, फिर माइनस गुणा कर देंगे तो वो आपका इसके बराबर आएगा, यानी a माइनस ए डैश का जो होल डैश है वो माइनस ए डैश से क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। तो हम कहेंगे क्योंकि सम सममित आव्यूह है, यानी सेम क्वेश्चन में जो 17 बताया पिछला क्वेश्चन उसी पे है, ठीक ना, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यदि a बराबर 0 a माइनस ए, 0 a b माइनस ए, 0 c, ये सब है ना, तो a बाई 1 बाई 2 a प्लस ए डैश ज्ञात करना है, 1 बाई 2 a माइनस ए डैश ज्ञात करना है, तो हमको पहले a डैश चाहिए ना। चलिए चूंकि चलिए a बराबर दे दिया है आपका 0 a b माइनस ए, 0 c माइनस बी सी, ये दिया है, a डैश निकालेंगे हम लोग, ए डैश निकालेंगे तो जीरो ए बी एस लिख देंगे, जीरो एस, फिर माइनस ए, जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब वन बाई टू ए प्लस ए डैश क्या करना है, यानी वन बाई टू, चलिए चलिए ए प्लस ए डैश मतलब ए और ए डैश को जोड़ना है ना, जोड़िए तो चलिए तो जीरो और जीरो जोड़ेंगे, यानी ए प्लस ए डैश यही ना है, जीरो और जीरो जोड़ेंगे तो जीरो हो गया, माइनस ए और प्लस ए जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, बी और माइनस बी जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, चलिए माइनस ए और प्लस ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर जीरो और जीरो जीरो होगा, सी और माइनस सी जीरो हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी जीरो हो जाएगा, माइनस सी और प्लस सी जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा। अब बताइए दो से अगर भाग देंगे हम, चाहे 130 से गुणा कर देंगे जीरो में, तो जीरो ही ना आएगा, तो जीरो 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 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। उसी तरह चलिए दूसरा है, ये वाला ना, वन बाई टू ए माइनस ए डैश, चलिए वन बाई टू, यानी ए में से ए डैश को घटाना है ना, घटा दिया जाए, ए में से ए डैश को, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो में से अगर जीरो घटाएंगे तो जीरो भी ना आएगा, ठीक। फिर ए में से माइनस से घटाएंगे तो प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि ए ऐसे करेंगे, ए माइनस माइनस ए करेंगे तो ये प्लस ए हो जाएगा ना, तो ए प्लस ए यानी टू ए हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका टू ए हो जाएगा। उसी तरह से बी और माइनस बी टू बी हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, अरे घटाएंगे तो, ठीक, माइनस ए और माइनस ए करेंगे तो माइनस टू ए हो जाएगा, फिर जीरो और जीरो जोड़ेंगे तो जीरो भी होगा, और फिर सी और माइनस सी जोड़ेंगे तो प्लस सी, यानी सी प्लस सी टू सी हो जाएगा। उसी तरह से चलिए यहाँ माइनस बी, और यहाँ जब माइनस करेंगे तो माइनस बी माइनस बी माइनस टू भी हो जाएगा, ठीक, और माइनस सी माइनस सी माइनस टू सी हो जाएगा, और फिर जीरो और जीरो जीरो हो जाएगा। अब वन बाई टू से, यानी वन बाई टू से गुणा करें चाहे दो से भाग दे दीजिए, जब दो से भाग देंगे तो जीरो, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ माइनस ए हो जाएगा,
यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, और यहाँ माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ जीरो हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसे नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप लोगों को एक हम प्रमेय बताया थे कि कोई आव्यूह ए है ठीक ना, कोई आव्यूह है किसी चूंकि किसी किसी आव्यूह ए को सममित सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल रूप जो होता है ए बराबर हम लिखते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश और फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यानी इसको बोलते हैं सममित आव्यूह और इसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। आई दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, बस यही करना है आपको। चलिए तो अब हमको हम मान लेते हैं माना P बराबर 1/2 A प्लस ए डैश और Q बराबर 1/2 A माइनस ए डैश। ठीक, तब A बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा ना, A बराबर P प्लस Q। तो समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। चलिए अब देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे पी का मान निकालेंगे, पी क्यू का मान आपको खड़े में रख दिया जाएगा ठीक ना। तो पी का मान निकाला जाए, पर देखिए ए का मान दिया है। चलिए पहला नंबर देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, क्योंकि इसको मान लेते हैं ए बराबर दिया है 3, 5 और 1 मान से दिया है ना। बताइए ए डैश क्या हो जाएगा, जब ए डैश निकालेंगे इसका तो ए डैश इसका होगा आपका 3 और 5 ऐसे है, इस बार से लिख देंगे माइनस एक और माइनस एक ऐसे लिख देंगे, यानी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। चलिए अब देखिए पी का मान निकालिए, पी बराबर हो जाएगा आपका 1/2 ए प्लस ए डैश होता है ना। चलिए यानी 1/2 ए प्लस ए डैश मतलब कि ए और ए डैश जोड़ना है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 5 1 6, 5 1 6 माइनस एक और माइनस एक माइनस दो, अगर दूसरे भाग देंगे दूसरे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा फिर माइनस 1 आ जाएगा। ये हो गया पी का मान। उसी तरह फिर क्यू का मान निकालेंगे, क्यू का मान निकालिए 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी ए में से एक घटाना है ना, चलिए घटा दीजिए, ए में से ए डैश को घटाना है, ए में से ए डैश को घटाना है, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में से 1। चलिए क्यू बराबर देखा जाए, क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी 1/2 ए में से ए डैश घटाना है ना, तो घटा दीजिए, 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 1 में से -5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, फिर ए माइनस 1 में से माइनस 1 घटाएंगे तो 1 में से -1 घटाएंगे यानी 0 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, जब 2 से भाग देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा बताइए, तो 2 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब P तथा Q का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, P तथा Q का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख दीजिए, रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, पी का मान क्या आया है जी, यही है ना 3, 3, 3 माइनस 1 प्लस
क्यू का मान कितना है, 0, 2, -2, 0। चलिए अब देख लिया जाए, सत्यापित कर लिया जाए कि एक जो है इसका मान, ए का जो मान है ये दो, ये समितावयव और ये भी समितावयव है। आप लोग देखिए इसको चेक करेंगे तो ये समितावयव होगा, क्योंकि इसको बदलेंगे तो सेम यही आएगा, और इसको बदलेंगे तो ये विषम समितावयव आएगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़ के देखा जाए कि ए के बराबर हो रहा है कि नहीं, तो तीन और जीरो जोड़ तीन आएगा ना, तो बताइए ए का जो मान है, देखिए आए ना है कि नहीं है, तीन, अगर तीन और दो जोड़ेंगे तो पाँच आएगा, देखिए पाँच है ना, फिर तीन और -2 -3 -2 करेंगे घटाएंगे तो एक आएगा, तो एक है, और फिर एक माइनस एक जीरो करेंगे तो -1, यानी ए को हम सममित और विषम समितावयव के रूप में ये हमने दर्शा दिया, ठीक ना। तो इसी तरह से आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, तीसरा भी कर लीजिएगा, चौथा भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए। 11 देखिए, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए एक कैसा आवयव है, विषम सममित आवयव है कि सममित आवयव है कि शून्य आवयव है कि तत्सम आवयव है, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए इसका हम सलूशन इधर कर दे रहे हैं, 11 का है, चूंकि ए और बी कैसे हैं जी, समान कोटि के हैं ना, चूंकि ए तथा बी समान कोटि के सममित आवयव हैं, क्या हैं, सममित हैं, सममित हैं, इसलिए जो ए डैश होगा वो ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, अब बी डैश जो होगा वो बी के बराबर होगा, यानी ए डैश को हम ए के बराबर लिख सकते हैं, बी डैश को बी के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसका पूरे का डैश निकालेंगे, ए बी माइनस बी ए का होल डैश निकालेंगे। तो देखिए ए माइनस बी का होल डैश जो होता है, आपको मैं नियम बताया था, ए माइनस बी का होल डैश जो होता है ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होता है, तो उसी तरह से ये हो जाएगा, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश हो जाएगा। अब देखिए हम ए बी के होल डैश को हम लिख सकते हैं बी ए डैश बी डैश इंटू ए डैश लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डैश इंटू बी डैश, क्योंकि प्रमेय होता है ए बी का होल डैश बराबर होता है बी का डैश माइनस इंटू ए का डैश, ये नियम होता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं ना, ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं माइनस, फिर ए डैश को ए बी को बी। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ए ए बी पहले हो जाएगा और माइनस बी ए बाद में हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए का जो डैश है वो माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर हो रहा है। तो जब आप लोगों को हम बताया गया था कि जब ए डैश जो है माइनस ए के बराबर हो जाए तो ये होता है विषम समितावयव, कैसा होता है, विषम समितावयव। तो लिख देंगे कि चूंकि चूंकि ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, ठीक ना, इसलिए इसलिए ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, एक विषम सममित आवयव होगा, कैसा होगा, विषम सममित आवयव है, यानी पहला देखिए विषम सममित आवयव यही ना है, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कह रहा है यदि ए बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई तो तब अल्फा का मान है, मतलब अल्फा का क्या मान होगा। तो आप लोगों को हम बताएं, पहले देखिए ए बराबर क्या दिया है, क्योंकि ए बराबर दिया है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, ठीक। तो ए डैश निकाला जाए, ए डैश निकालेंगे तो कास अल्फा और माइनस साइन अल्फा नीचे हो जाएगा, पंक्ति आगे पंक्ति जो स्तंभ हो जाएगी, ये जो दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ हो जाएगा, साइन अल्फा कास अल्फा। अब हमको क्या निकालना है, चूंकि ए प्लस ए डैश बराबर क्या आई के बराबर है, ठीक, यानी तत्समक आवयव के बराबर है, तो ए प्लस ए डैश को जोड़ दीजिए, चलिए जोड़िए, तो कास अल्फा टू कास अल्फा हो जाएगा, ठीक,
और साइन उसका माइनस साइन पर जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन और प्लस साइन, ये भी जीरो हो जाएगा, कास और कास टू कास हो जाएगा, टू कास अल्फा हो जाएगा, बराबर हम आई को लिख सकते हैं 1 0 0 क्योंकि इकाई आव्यूह है, और 2 × 2 के साथ 2 × 2 का इकाई आव्यूह ले लेंगे। अब देखेंगे संगत और क्या है, समान होते हैं ना, समान आव्यूह में, समान आव्यूह में संगत और समान होते हैं, ये वाला इसके बराबर होगा, ये तो 0 के बराबर ही है, ये वाला इसके बराबर, चलिए चूंकि समान, चूंकि समान आयु संगत और समान होते हैं इसलिए हो जाएगा 2 cos alpha जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, cos अल्फा जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, cos 60 अंश यानी π/3 का मान 1/2 होता है, तो अब देखिए cos अल्फा बराबर cos थीटा हो गया, cos अल्फा बराबर cos π/3, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही होगा, ठीक ना। तो यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई है, ठीक ना। तो अगली प्रश्नावली के लिए नियम हम बताएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।